हाय फ्रेंड्स, दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे इस मेले की सच्चाई, आपको रूबरू कराएंगे इस मेले के हकीकत से। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बना के आपको अपलोड किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और दोस्तों, इस वीडियो में हम वो वीडियो दिन का था, इसलिए हम आपको रात की सच्चाई नहीं दिखा सके। और अपने गांव से करीब 10 किलोमीटर पास से आके आपको यहाँ की सच्चाई दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, और आपको हम इस मेले की सच्चाई दिखाएंगे। और मैं हूँ विनय शुक्ला, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनय गुड लाइफ। तो दोस्तों, चलो चलते हैं आगे का सफ़र दिखाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, मेले की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, बाबा गौरी शंकर मंदिर के स्थान से। और ये बाबा गौरी शंकर बाबा का मंदिर है, जो कि कहते हैं बहुत ही पुराने रिकॉर्ड से दर्ज है। और है जब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर अज्ञातवास के लिए आए थे, तब यहाँ विराट की नगरी कही जाने वाली ये हरगांव, ये उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में हरगांव पड़ता है, वहाँ पर विराट की नगरी कही जाती है। और यहाँ पर इस मेले का, भव्य मेले का उद्घाटन यहाँ हर कार्तिक पूर्णिमा, माफ़ कीजिएगा, कार्तिक पूर्णिमा में इसका भव्य उद्घाटन होता है, जो कि एक महीने तक ये मेला चलता है। और दोस्तों, हम यहाँ की आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे। और यहाँ पर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर अज्ञातवास के लिए आए थे, राजा विराट की नगरी कही जाती है। और यहाँ पर आपको यहाँ का नज़ारा हम दिखाएंगे। और यहाँ पर ये तीर्थ है, हमारे पीछे आप तीर्थ देख रहे हैं, जो कि बहुत ही लाइट से रंग बिरंगा सजा हुआ है। और दोस्तों, इसको हम आपको अब मेले के अंदर ले चलेंगे, और उसके बाद हम आपको एक बहुत भयानक सच्चाई दिखाएंगे, जो रात के अंधेरे में होता है यहाँ पर। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, धन्यवाद। दोस्तों, आ गए हम मेले के दूसरे जो है गेट पे, और आप यहाँ पर आपको दूसरा गेट हम दिखा रहे हैं दोस्तों। और ये ब्लॉग हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, और आपको आगे का नज़ारा भी हम दिखाते रहेंगे। और ये यहाँ पर बालाजी का मंदिर है, जहाँ से हम यहाँ की शुरुआत से सफा दुकानें आपको दिखाई देंगे। और ये मिठाई की दुकानें, चाट की दुकानें, यहाँ पर तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं दोस्तों। और हम आपको मिलाते हैं यहाँ पर, ये हैं रामचंद्र चाट वाले। और यहाँ पर देखिए, आपको ये है चाट की दुकान, बहुत मशहूर है। और हाँ, देखो भैया, ये हैं कमलेश जी। और हाँ, ये पूरे, चलो, और ये बहुत मशहूर यहाँ पर चाट अच्छी बनाते हैं, देखो दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें इन्हें, और आप भी कभी आए तो यहाँ का स्वाद टेस्ट करें, बहुत ही लाजवाब स्वाद मिलता है यहाँ पर। और ये खजला की दुकानें हैं, यहाँ से आप खजला आप कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या खरीदा, क्या खरीदा आप लोगों ने, हैं, क्या खरीदा है आप लोगों ने, क्या खरीदा है? कंगन खरीदे। अच्छा, तो दोस्तों, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बड़ी पुत्री है, इसी वो आप यहाँ मेला देखने के लिए आई है। हेलो फ्रेंड्स, मेला देखने आई है, आप लोग भी, तो आप लोग इसको जो है फुल सपोर्ट करें। और देखो तो दोस्तों, आपको मेला की पूरे मेले की हकीकत दिखाएंगे दोस्तों। और अभी हम आपको ये दुकान यहाँ के मेला लगा हुआ है वो दिखाई दे, ये देखिए दोस्तों, कितने की है? 20 रुपए की, ले लो। तो दोस्तों, इन्होंने आचमनी खरीदी है यहाँ पर, देखिए, मैंने पूजा करने के लिए ये आचमनी खरीदी है, जो तो एक तांबे के पात्र में डाल के इसको पूजा के लिए आगमन कराया जाता है। और यहाँ पर बैंगल्स की दुकानें भी हैं, ये बैंगल्स की दुकानें हैं, और आप इसको देख सकते हैं, ये बैंगल्स की दुकानें। और हम आपको आगे भी दुकानें और भी दिखाते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर तरह तरह के सामान आपको मिलते रहेंगे और मिलते हैं, और आप भी कभी आइए और यहाँ का लुत्फ उठाइए। हालांकि ये मेला बहुत अच्छा है, और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा मेला सैकड़ों सालों से चलता आया है, हालांकि हम जब से जानते हैं तब से यहाँ पर सुनते देखते आए हैं। क्या लेना है? भगवान,
तो झुआ इधर कहाँ होंगे? इधर होंगे, इधर चलो। देखिए दोस्तों, अब ये लोग एक बर्तन रखने के लिए झुआ लेना चाहते हैं, जिसमें बर्तन स्टॉक किए जाते हैं। तो यहाँ पर दुकानें तो बर्तन की तो है नहीं, है बर्तन की तो कम। चलो तो देखते हैं दोस्तों, बर्तन के लिए झुआ लेना चाहते थे जिसमें बर्तन को स्टॉक किया जाता है, सफाई करके स्टॉक किया जाता है, लेकिन यहाँ पर थे नहीं। और दोस्तों हम आपको आगे और भी दिखाएंगे, तो अब इन लोगों को और मिला दिखाते हैं। फ्रेंड्स, 80 रुपये हर माल की दुकान है ये, यहाँ पर बर्तन आपको स्टील के से भी मिलेंगे और 80 रुपये हर माल, आप चाहे जो भी ले सकते हैं, 80 रुपये में मिलते हैं यहाँ पर। 80 रुपये का रहे, आओ दिखाते हैं, अब आगे और भी दिखाते हैं आपको। 80 रुपये तो दोस्तों, मैं आपको अभी लगभग 7:30 बजा हुआ है, 7 बजा हुआ है, अब हम आपको यहाँ रुकेंगे और आपको इस मेले की हकीकत को दिखाएंगे, जिसके लिए हमने खास करके वीडियो बनाया है। और इस वीडियो को हम, और यहाँ पर इस वीडियो में आपको पूरा मेला घुमा रहे हैं, उसके बाद में हम उस मेले की सच्चाई को दिखाएंगे जो पर्दे के पीछे होती है, हम जरूर दिखाएंगे आपको। आप बने रहिए और मेहनत करिए, हम आपको उस मेले की सच्चाई को दिखाएंगे जो हम आपको किसी के वीडियो में भी नहीं दिखती होगी। तो दोस्तों हम, आप बने रहिए, अभी हम इस मेले के पीछे यानी पर्दे के पीछे क्या होता है यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहें, और ये कार्तिक पूर्णिमा मेला के नाम से जाना जाता है, जो सैकड़ों वर्षों से चलता आया है। और आपको हम अभी और भी दिखाते हैं यहाँ की चीज़ें जो आपको देखना दुर्लभ होगी। यहाँ से झूले का नज़ारा आपको दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ से झूले का नज़ारा अगर दिखाएं तो इस तरह से दिखता है झूले का नज़ारा। ये देखिए, ये झूला हमारे पीछे लगा हुआ है, ये है। तो दोस्तों इस तरह से आप झूले का लुत्फ़ उठा सकते हैं, और ये अभी 10 दिन से ज़्यादा चलेगा ये मेला, तो आप भी यहाँ पर आकर और मेला देख सकते हैं। दोस्तों इसी लोकेशन में हम बढ़ते आ रहे हैं, आपको झूले की तरफ लेकर चल रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही, इस वीडियो में हम उस मेले की काली सच्चाई भी दिखाएंगे जो आपको कहीं भी देखने को, किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये हमारी फैमिली भी हमारे साथ चल रही है, हमारे बच्चे भी हैं और वाइफ भी साथ में हैं, लेकिन हम इनको अभी मेले में छोड़ के और मेले की उस सच्चाई को दिखाएंगे जो आपको देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। तो आपको हम करीब से झूले का नज़ारा दिखा रहे हैं, जो आपको हम करीब से झूले का नज़ारा दिखाएंगे, जिससे आप भी यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये झूले का नज़ारा है, जिसके आप लोग देखें और इस मेले का लुत्फ उठाएं। तो दोस्तों इस मेले की सच्चाई जरूर दिखाएंगे, आप बने रहिएगा। झूला नहीं, झूला नहीं झूलना है, बाकी सब काम करो, झूला मत झूलो। देखिए ये है वीडियो, दोस्तों झूला का सेक्शन है, इस झूले के सेक्शन में आप तरह तरह के 50 झूले हैं, सैकड़ों झूले हैं। और यहाँ पर ये मौत कुआं भी है, और यहाँ पर आपको हम झूले दिखाएंगे जो झूला आप लोगों ने नहीं देखा है, तो हम आपको झूला दिखा, ये करीब से आप झूला देख सकते हैं, जो दोस्तों झूला के हिसाब से है। हाँ तो दोस्तों आप कैसा लगा है आपको लोग कमेंट में बताएं, और शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और ये इधर देखिए झूले की सच्चाई, ये दोस्तों झूला यहाँ पर है और इस झूले का लुत्फ उठाइए आप लोग और इस झूले का लुत्फ उठाते रहें आप लोग। और ये ब्लॉग आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब इस सेक्शन से दोस्तों हम आपको ले चल रहे हैं आपको मंच की तरफ, जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मशहूर होता है और यहाँ पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाई साहब सांस्कृतिक कार्यक्रम आप भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ कक्षा मेला मुशायरा, हिंद मुशायरा और नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं दोस्तों। ये सांस्कृतिक मंच है दोस्तों और यहाँ पर आप आकर सांस्कृतिक मंच में आप जो है यहाँ का लुत्फ ले सकते हैं। और यहाँ से हम आगे अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से मंच दोस्तों ये प्रोग्राम यहाँ पर आज रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, चलने जा रहा है, जो कि हम आपको आगे पार्ट में जरूर दिखाएंगे। ये रंगारंग कार्यक्रम होगा यहाँ पर और तैयारी चल रही है उसकी है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए और आगे भी उस काली सच्चाई को जो पर्दे के पीछे चलती है उसे भी हम दिखाएं। और दोस्तों अब हम उसी तरफ मेले के पहले गेट की तरफ वापस चल रहे हैं और आपको बताना है कमेंट में कैसा लगा और हमारे वीडियो में किस पार्ट से कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, जिसके लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।